So, as I was telling you all, we have various temperature scales. So, most common ones are कौन कौन से हैं? One is सेल्सियस स्केल, वन अनदर इज फारेनहाइट स्केल, और एंड थर्ड वन इज केल्विन स्केल. तो केल्विन वाला जो है दैट्स अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्केल, ठीक है. और यहां पर देखो, तो अब ऐसा समझो, सबसे पहला जो थर्मोमीटर होगा वो जो डिजाइन किया होगा किसी ने, करेक्ट, कैसे डिजाइन किया होगा उसने, उसने उसको कैसे पता है कि भाई 0 डिग्री हमें यहाँ पर लिखना है, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखना है, 0 डिग्री सेल्सियस हमें यहाँ पर लिखना है, करेक्ट. सो हाउ दे वर एबल टू डिटरमाइन द पोजीशंस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस? दे टोक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर एज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है, ओके. अब क्या इसमें व्हाट सो स्पेशल अबाउट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? व्हाट इज सो स्पेशल? व्हाई डिड दे सेलेक्ट दीज पॉइंट्स ओनली? व्हाई डिड दे सेलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री? वो तो हम वैल्यू तो हम कोई भी दे सकते हैं, बट पॉइंट इज उन्होंने क्यों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को लिया और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लिया? तो द आंसर इज वेरी सिंपल. व्हेनेवर द फेज चेंजेस व्हाट हैपेंस? टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. व्हेन फेज चेंज में टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, एट फेज चेंज टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. ओके, तो जब भी हमारा फेज चेंज होता है टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तभी तो हमें पता चल गया ना वो 0 डिग्री, क्योंकि व्हाट दे डिड वाज, मान लो उन्होंने मरकुरी यहाँ पे रखा होगा, ठीक है. अब मरकुरी उन्होंने यहाँ पे रखा और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक आइस का काइंड ऑफ यू नो दे जस्ट टुक सम आइस एंड दे ऑल्सो टुक सम वॉटर, भी आइस वॉटर साथ में होगा. तो अगर आप आइस वाटर भी साथ में ले लेते हो और को एग्जिस्ट कर जाता है, करेक्ट, तो इस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा? द टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, तो जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला, करेक्ट. टिल द टाइम ऑल ऑफ द आइस कंटेन्ड इन दिस कंटेनर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी रिमेन्स सेम विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो इसका टेम्परेचर आएगा भाई 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये वाला जो पॉइंट है ना, तो आप देखोगे कि यहां पर आके मरकुरी काइंड ऑफ स्टॉप्स एंड देन साइंटिस्ट जो जो स्केल डिजाइन कर रहा होगा उसको लगा कि भाई ठीक है इस पॉइंट को हम 0 डिग्री सेल्सियस दे देते हैं, ठीक है, ओके. नाउ यू स्टार्ट हीटिंग दिस कंटेंट ऑफ दिस कंटेनर, ओके. व्हाट हैपेंस? जैसे जैसे आपका आइस मेल्ट होता रहेगा और एक स्टेज आएगा पूरा पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, अब बचेगा वाटर विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. अब जब यहाँ पे वाटर बचेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, व्हाट हैपेंस? वाटर धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो अब देन यू विल सी दैट ये जो स्केल है ना अभी राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है. द स्केल, यू फील दैट स्केल इज राइजिंग एंड फाइनली अगेन इट स्टॉप्स हियर, अगेन फेज चेंज हो रहा है. तो फेज चेंज होता है तब क्या होता है, टेम्परेचर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. नाउ वॉटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस ओवर हियर. वॉटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस ओवर हियर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ओके. अब क्या ये नेसेसरी है हमें 0 और 100 ही देना? हम यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है. तो ये स्केल है मेरा और इसको हमने 100, मतलब क्या हुआ, हमने इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. हमने पहले ये वाला पॉइंट मार्क किया, ये वाला पॉइंट मार्क किया एंड देन आई डिवाइडेड इट इन 100 इक्वल पार्ट्स. अगर मैं यहाँ पर एक और स्केल डिजाइन करूँ, मतलब फारेनहाइट का स्केल, तो फारेनहाइट का स्केल दूसरे कलर से ले लेते हैं, ग्रीन अच्छा दिखेगा,
Now, if I take a Fahrenheit scale, the Fahrenheit 0 degrees Celsius corresponds to 32 degrees Fahrenheit. 100 degrees corresponds to 212 degrees Fahrenheit. Look, how many units come out over here? 180 units. ठीक है, 180 units. और यहां पर अगर मैं केल्विन स्केल, which is also the internationally accepted scale, you know, तो इसमें कितना आता है? इसको चलो दूसरे कलर से लिख लेते हैं, इसको हम लोग ब्लू से लिख लेते हैं. एनी गेस what this केल्विन is approximately? What this 273 केल्विन्स. And this scale is how much? 373 kelvins. Correct. This is Fahrenheit. This is Kelvin scale. K is Kelvin. F is Fahrenheit. C is Celsius scale. समझे बच्चों? Okay. तो यहाँ पर भी देखो, this also has basically 100 units. This also has basically 100 units. तो now if I want to find the relation between Celsius and Fahrenheit, how I go ahead? How do I do this? If I need to calculate relation between Celsius and Fahrenheit, suppose आप maths या formula भूल गए exam के time में, क्या करोगे? तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, मुझे मालूम है आप बच्चों को formula मालूम रहेगा, but let's say you know you just some or other how you could not remember the formula, you know. तो हाउ टू बी कैलकुलेट, बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स है. यहाँ पर देखो इसके 100 यूनिट्स, अब ऐसा समझो, यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर बनाता हूँ. देखो जब यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस का राइज होगा, यहाँ पर मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का राइज होगा, तो यहाँ पे कितने यूनिट्स का राइज हो, मतलब 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा ना यहाँ पर दिस थिंग, तो यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस राइज होगा फारेनहाइट स्केल में? 1.8. वेरी गुड. ठीक है, क्योंकि इसके 100 यूनिट्स करिस्पोंड्स टू इसके 180 यूनिट्स, तो इसका 1 यूनिट करिस्पोंड्स टू 1.8 यूनिट ना, तो मतलब यहां पर इसके 1.8 यूनिट्स, इसका 1 डिग्री सेल्सियस मतलब इसका 1.8 डिग्री फारेनहाइट, मतलब अगर ये 32 है तो ये कितना हो जाएगा? 33.8 डिग्री फारेनहाइट. देखो बहुत ही सिंपल है ये. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, अगर मान लो हमें मालूम है यहाँ पर टी डिग्री सेल्सियस है, टी डिग्री सेल्सियस, तो टी को चलो हम लोग इसे कैपिटल में लिख लेते हैं, टी इन सेल्सियस है, तो ये टी इन फारेनहाइट कितना होगा? एनी गेस? टी इन सेल्सियस आपको पता चल गया, टी इन सेल्सियस मान लो आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है टी इन फारेनहाइट. ठीक है, तो देखो अभी हम क्या क्या बोलेंगे, व्हाट वी विल से, टी इन सेल्सियस, अगर मान लो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दिस वैल्यू कुड बी एनीथिंग, दिस वैल्यू कुड बी 10 20 30 40 कुछ भी हो सकता है. अगर मान लो 10 है टीसी, ठीक है, टीसी अगर 10 है तो यहाँ पे कितने यूनिट्स कवर हो गए? टीसी मीन्स इतने यूनिट्स इन सेल्सियस स्केल ना, है कि नहीं है? टीसी अगर मैं बोलता 10 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 10 यूनिट्स ऑन सेल्सियस स्केल, 10 यूनिट्स विल करेस्पॉन्ड टू 18 यूनिट्स ऑन फारेनहाइट स्केल, है कि नहीं है? करेक्ट. तो इन जनरल आई कैन से टीसी यूनिट्स ऑन सेल्सियस, सेल्सियस स्केल, ठीक है, दिस करेस्पॉन्ड्स टू 1.8 TC units on Fahrenheit scale, ना F scale मतलब Fahrenheit scale. Okay, ये बात समझ में आई? Okay. और अब देखो ये स्केल शुरू कहां से हो रहा है? 32 से हो रहा है. अभी सपोज हमें यूनिट तो पता चल गया, सपोज 18 यूनिट्स, लेकिन ये रीडिंग जब आप रीड करोगे तो रीड कैसे करोगे? 32 प्लस वट एवर दिस वैल्यू इज, सिंपल ना. So when we are reading, we'll read it as Fahrenheit, as reading on Fahrenheit will be 32 plus 1.8. Okay. So just a second. Okay.
सो टू समराइज फारेनहाइट का जो रीडिंग होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 32, और कितने यूनिट्स फारेनहाइट के वो हमने निकाल लिए 1.8 टीसी. दीज मेनी यूनिट्स विल बी ऑन फारेनहाइट स्केल एंड बिकॉज दिस स्केल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 32, तो रीडिंग ऑन फारेनहाइट स्केल विल बी 32 प्लस 1.8 टीसी. ठीक है, ओके ठीक है. और इसी तरह वी कैन हैव अ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन ऑल्सो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक्चुअली आपको बहुत काम आएगा इन केमिस्ट्री. सो सेल्सियस देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जीरो, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 273 ना, दिस इज 100, दिस इज 373. तो यू कैन वेरी वेल गेस इफ फ्रॉम हियर व्हाट दिस रिलेशन विल बी. सो दिस इज केल्विन, दिस इज सेल्सियस. Temperature in Kelvin is temperature in Celsius plus 273. ठीक है, the Kelvin scale हो गया. You should be knowing all these things. तो now tell me, अब एक बहुत intelligent question यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे, क्या change in Celsius, change in Fahrenheit and change in Kelvin, is it going to be the same? Is the reading going to be the same? Change in Celsius, change in Fahrenheit and change in Kelvin. क्या इन तीनों की रीडिंग सेम होगी या अलग-अलग होगी? जल्दी से बताओ. तो जल्दी से इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री सेल्सियस और सपोज ये 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस वाज हाउ मच, 18 आ रहा था ना, तो 32 प्लस 18 कितना हो गया, 50 डिग्री 50 ना, 32 8 या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट ना, 18. वन यूनिट इज फॉर, देखो यहां पे डायरेक्टली अभी आप कन्वर्जन कर सकते हो, वन यूनिट ऑन सी इज 1.8 ऑन एफ ना, तो 10 यूनिट ऑन सी इज इक्वल टू 1.8 इनटू 10 ऑन एफ व्हिच कम्स आउट टू बी 18. ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 18 डिग्री. तो 32 प्लस 18 इज 50, और यहां पर देखो दिस 273, तो 10 डिग्री मतलब कितना, 283 हो जाएगा भैया. ठीक है बच्चों, दिस विल बी 283 करेक्ट. तो अब देखो चेंज इन सेल्सियस कितना है, 10. चेंज इन सेल्सियस का मतलब वो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, दिस मीन्स फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग. ओके, तो फाइनल इज 10 माइनस 0, ठीक है, कितना आ गया ये, दिस कम्स आउट टू बी 10 डिग्री सेल्सियस बेसिकली. चेंज फ़ारेनहाइट का चेंज देखो, 50 माइनस 32 कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 18 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज. एंड डेल्टा टी के मतलब केल्विन ऑल्सो कम्स 283 माइनस 273, दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 10 डिग्रीज, नॉट डिग्रीज, डिग्रीज यू डोंट पुट इट फॉर केल्विन, तो 10 केल्विन. ठीक है, तो सेल्सियस और केल्विन का जो चेंज होता है इट इज ऑलवेज द सेम. सेल्सियस और केल्विन का जो चेंज होता है दैट्स ऑलवेज द सेम. फ़ारेनहाइट का चेंज सेम नहीं होता है क्योंकि यूनिट डिस्प्रोपोर्शनेट हो गई, अभी स्केल जो है ये 180 यूनिट का है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. या वन मोर थिंग टू नो, केल्विन स्केल इज नेवर नेगेटिव, सेल्सियस कैन बी नेगेटिव. आप देखो -40 डिग्री सेल्सियस यू कैन टेक दिस टेम्परेचर, केल्विन स्केल इज ऑलवेज पॉजिटिव. केल्विन स्केल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, केल्विन स्केल इज ऑलवेज पॉजिटिव. इन फैक्ट इट इज सेड 0 केल्विन पे मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस. दिस इज ऑल्सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है सीज हो जाता है, मतलब अभी मैंने आपको बताया था हीट क्या है, व्हाट इज हीट, हीट इज एनर्जी, करेक्ट, एंड हाउ डू वी फील दैट एनर्जी, मतलब लेट से आई एम टेलिंग दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम हीट कंटेंट, सो व्हाट 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 शुड कम टू योर माइंड, दैट भाई इसमें हीट कंटेंट है, मतलब क्या हुआ, इसके इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे ना,
ठीक है, तो इट इज सेड दैट एट जीरो केल्विन्स मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस. दिस इज ऑल्सो द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें बहुत बार क्वेश्चन भी आपको पूछता है कभी कभी. ठीक है, सर ये बीई कंडेंसेट से रिलेटेड है. जस्ट अ सेकंड. तो प्लीज रिमेंबर जीरो केल्विन हैज अ वेरी स्पेशल सिग्निफिकेंस इन योर थर्मोकेमिस्ट्री, करेक्ट. ठीक है, ओके. सो विद दिस आई थिंक स्केल आपको समझ में आ गया. हो टू समराइज, वी हैव थ्री स्केल्स, सेल्सियस, फारेनहाइट एंड सेल्सियस फारेनहाइट एंड केल्विन. तो सेल्सियस का रिलेशन क्या है, Tf is equal to 1.8 Tc plus 32. कभी कभी आप ऐसे भी इसको लिखा हुआ देखोगे, Tf is, तो फारेनहाइट इज बेसिकली 1.8 Tc plus 32. आप इसको चाहो तो 9 by 5 भी लिख लो, वही आएगा ना, 9 by 5 is I think 1.8 only. ठीक है, इसको आप चाहो तो 9 by 5 लिख लो, 9 by 5 times Tc plus 32. You can just write it like this. ओके, और केल्विन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस और केल्विन का क्या रिलेशन है, केल्विन इज 273 प्लस केल्विन. विद दिस वी कम इनटू दिस कंसेप्ट.